લાંબા સમયથી બંધ પડેલ ઘોઘા હજીરા રોપેક્સ ફેરી સેવાનો પુનઃ પ્રારંભ થયો હતો. જહાજની મરામતના મામલે બંધ પડેલ ઘોઘા હજીરા રોપેક્સ ફેરી સેવાનો નવા જહાજ સાથે પુનઃ પ્રારંભ થયો હતો. નવા આધુનિક સુવિધા સાથેના જહાજમાં ઘોઘાથી હજીરા માત્ર 3.5 કલાકમાં પહોંચી શકાશે. આ અંગેની વિસ્તૃત માહિતી અધિકારી શ્રી દ્વારા પત્રકારોને અપાઈ હતી. देखिए, जो हमारा नया जहाज़ है इसकी खूबसूरती क्या है, एक तो इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो ये मात्र 3.5 घंटे में ये घोघा से हजीरा पहुंच जाएगा और इसी प्रकार 3.5 घंटे में हजीरा से घोघा आ जाएगा. टाइम पे चलेगा जहाज और जल्दी चलेगा. दूसरा बात, इसके अंदर में हमने आदमियों की सुविधा के लिए 3 अलग-अलग रेस्टोरेंट खोले हैं जो कि पैसेंजर शिप की तरह हैं. तीसरी बात, इसके अंदर में हमने आदमियों की सुविधा के लिए एंटरटेनमेंट के लिए कैसीनो टाइप के हमने इलेक्ट्रॉनिक्स गेम्स रखे हुए हैं जो कि वो खेल सकते हैं. और चौथी बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट, कि हमारे वहाँ काफ़ी पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं, उनको स्लीपर सोने की जगह चाहिए थी, तो हमने उनको स्लीपर के क्लास का बेड्स दिए हुए हैं जिससे वो सो सकते हैं. और हमने इसमें कैबिन भी दिए हैं 11, जो कि कैबिन में 4 बेड हैं और सोफ़ा है, तो जिन लोग को उसका इस्तेमाल करना है फैमिली के संग प्राइवेसी में, उसे भी कर सकते हैं. इस शिप के अंदर में हमने 56 सोलर पैनल दिए हैं जिससे कि हम रोज़ 100 किलोवाट बिजली बनाते हैं. ये एशिया का सबसे बड़ा जहाज़ है जो कि सोलर पावर पर चलता है. सुबह 9 बजे चलेगा, सारे पैसेंजर को बिठा के 9 बजे चलेगा. 12:30 बजे ये पहुंच जाएगा हजीरा, वहाँ से 5 बजे चलेगा और 8:30 बजे यहाँ हजीरा घोघा पहुंच जाएगा और फिर ये खड़ा रहेगा यहाँ पे. और जैसे हमारी ट्रैफिक बढ़ेगा हम इसको 2 सर्विस कर देंगे.